देन फ्रेंड फाइनली अगर आपका फ़ोन कलरओएस 7 या फिर कलरओएस 7.21 में अपडेटेड है तो आपके फ़ोन में कहीं ना कहीं बैटरी ड्रेनिंग वाली प्रॉब्लम तो जरूर देखने को मिल रही होगी, चाहे आपका फ़ोन रियलमी हो या फिर ओप्पो हो। तो दोस्तों आज के वीडियो थ्रू मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जहाँ पर आप अपने फ़ोन की बैटरी को बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रोसेस भी बताऊँगा जिसको फॉलो करके आप अपने फ़ोन की बैटरी को सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो को एंड तक वॉच करना, एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, जिससे यार आपको लेटेस्ट अपडेट्स के न्यूज सबसे पहले मिलती रहे। फॉर फ्रेंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स जो मेन इफेक्ट आप लोगों को पता होगा, फोन को कलरओएस 7 या फिर कलरओएस 7.21 में अपडेट करने के बाद फोन की बैटरी ड्रेनिंग काफ़ी फास्ट हो रही है एज कम्पेयर टू कलरओएस 6। मतलब यार कलरओएस 6 से भी कहीं ज़्यादा फोन की बैटरी ड्रेनिंग कलरओएस 7 में हो रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो तो मैं आपको कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ एंड आपको लाइव सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ जहाँ पर आप उन प्रोसेस एंड कंडीशन को फॉलो करके अपने फ़ोन की बैटरी ड्रेनिंग को फिक्स कर सकोगे। तो दोस्तों टिप नंबर फर्स्ट, आपके फ़ोन में उतने ही ऐप्स रखने हैं, मतलब आपके फ़ोन में जितने भी ऐप इंस्टॉल्ड हैं आप अपने फ़ोन को चेक करिए, आपके फ़ोन में फालतू के फालतू ऐप्स ना रहें। मतलब आप जितने ऐप यूज करते हैं आप अपने फ़ोन में उतने ही ऐप रखें, क्योंकि ज़्यादा ऐप होने पर आपके फ़ोन की बैटरी ड्रेनिंग काफ़ी फास्ट होने लगती है। आपके बैकग्राउंड में वो सब ऐप आपके फ़ोन की बैटरी को कंज्यूम करते रहते हैं जहाँ पर आपके फ़ोन की बैटरी ड्रेनिंग काफ़ी फास्ट होने लगती है। एंड यहाँ पर सेकंड नंबर का टिप यही आता है भाई, आपको अपने फ़ोन में उतने ही ऐप रखने हैं जो कि आपके प्ले स्टोर में अवेलेबल हैं, क्योंकि फालतू के बाहर के ऐप आप गूगल वगैरह से उठा लेते हैं या फिर वीवो के या फिर ओप्पो के या फिर आप रियलमी के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं वहाँ पर। मतलब यार प्ले स्टोर के छोड़कर आप कहीं से भी कोई सा भी ऐप डाउनलोड नहीं करें। लाइक दैट यार आप विडमेट ले सकते हो, स्नैपट्यूब ले सकते हो, यहाँ पर ये कंपनी खुद कहती है भाई आप प्ले स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें। एंड एक बात और है, आपके प्ले स्टोर में जितने भी ऐप हैं आपने फ़ोन में जाकर के आप यहाँ पे सारे के सारे ऐप्स को अपडेट करते रहें। मतलब आपका फ़ोन लेटेस्ट अपडेट में अपडेटेड रहना चाहिए। यहाँ पर मेरा 15 अपडेट्स अवेलेबल करा दिया गया है, मतलब जितने भी ऐप हैं आपके फ़ोन में जितने भी ऐप हैं सब के सब ऐप्स अपडेटेड रहने चाहिए, नहीं तो आपके फ़ोन की बैटरी ड्रेनिंग इससे भी होती है। हालांकि यहाँ पर एक दो हफ्ता का पुराना अपडेट रहेगा वो चलेगा, लेकिन काफ़ी लॉन्ग टाइम का जिनका अपडेट रहता है, मैं काफ़ी लोगों का देखा हूँ, कोई फाइव बंदे अपडेट नहीं करते। यहाँ पर आपको अपने फ़ोन के ऐप को अपडेट करना ही चाहिए। एंड यहाँ पर आपको लाइव सॉल्यूशन देने वाला हूँ अपने फ़ोन की बैटरी ड्रेनिंग कैसे फिक्स करें। तो पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में आना होगा, सेटिंग में आने के बाद आपको हल्का सा स्लाइड करना है नीचे की तरफ। एंड यहाँ पर आपको बैटरी वाले सेक्शन में चले आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन होगा इंटेलिजेंट पावर सेवर का, एंड यहाँ पर आपको इसको कर देना है टर्न ऑफ। ऑफ करने के बाद एक ऑप्शन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा कस्टम पावर सेवर का, आपको इसको कर देना है टैप। टैप करने के बाद आपके फ़ोन में जितने भी ऐप इंस्टॉल्ड रहेंगे सारे के सारे ऐप यहाँ पे फोन होने लगेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक ऐप पे टैप कर देना है। यहाँ पर आप हर एक ऐप में अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं एक ऐप पे करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन ओपन होंगे, यहाँ पर आपको मिड वाले पे टैप कर देना है। मिड वाले मतलब डोंट रन इन बैकग्राउंड, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में जो भी ऐप रन करते हैं तो आपके फ़ोन की बैटरी ड्रेनिंग को थोड़ा सा, मतलब आपके फ़ोन की बैटरी को थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं बैटरी कंज्यूमिंग करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे सारे के सारे ऐप्स में अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर हो जाता है सिंपल सा बैक। बैक होने के बाद आप यहाँ पर पावर फेवर ऑप्शन में आ सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्लिप स्टैंडबाई ऑप्टिमाइजेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इसको कर देना है बिना कुछ सोचे समझे टर्न ऑन। ऑन करने के बाद यहाँ पे होना है सिंपल सा आपको बैक। बैक होने के बाद आपको परफॉर्मेंस मोड में आना है। परफॉर्मेंस मोड में आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे वाले पे टैप कर देना है नो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। यहाँ पर आपको नीचे कुछ लिखा है टर्न ऑफ इम्प्रूव परफॉर्मेंस टू एक्सटेंड बैटरी लाइफ। एंड यहाँ पर टैप करने के बाद यार आप समझ सकते हैं, नीचे कुछ पढ़ सकते हैं, पढ़े लिखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा भाई इस पे टैप करने के बाद हमारे फ़ोन की बैटरी ड्रेनिंग कम होगी या फिर नहीं होगी। तो फिर नीचे पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे हो जाना है बैक। बैक होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का एक ऑप्शन है। एंड यहाँ पर आपको सुपर पावर सेविंग मोड पे टैप कर देना है, मतलब लास्ट वाले पे टैप कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ बातें बताई गई हैं, नीचे पावर सेविंग मोड विल डाउनग्रेड फ्रॉम डिस्प्ले इफेक्ट। एंड यहाँ पर कुछ भी बताएगा आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको सिंपल सा हो जाना है बैक। बैक होने के बाद आपको चले आना है अपने पावर सेविंग मोड में। मोड में आने के बाद यहाँ पर आपको पावर सेविंग मोड को कर देना है टर्न ऑन। ऑन करने के बाद आपका जो स्क्रीन का ब्राइटनेस होता है थोड़ा सा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको इसको भी कर देना है टर्न ऑन। ऑन करने के बाद आपका ये जो है
15 पे रहेगा, 15 पे रहता है तो आपको VF को बढ़ा के 30 पे कर देना है। 30 पे करने के बाद यहाँ पर डिफॉल्ट ऑप्टिमाइजेशन रहता है, यहाँ पर आपको इफ को भी बंद कर देना है। क्योंकि बंद कर देना है भाई, आपके फ़ोन में जब सुपर पावर फेवर ऑन हो जाएगा तो आपके फ़ोन की जो स्क्रीन बैटरी है थोड़ा सा लो हो जाती है, तो इसको आपको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपके फ़ोन की बैटरी, मतलब आपके फ़ोन में जो स्क्रीन बैटरी ऑटोमेटिक ऑफ हो गई थी, मतलब थोड़ा सा कम हो गई थी, तो ऑटोमेटिक वो रिड्यूस हो जाएगी जैसे पहले थी वैसे फिर से हो जाएगी। एंड यहाँ पर आप इसको इनेबल और डिजेबल कर सकते हैं आपके मन पे। एंड यहाँ पर आपको ये सब सेटिंग ऑन करने के बाद आपके फ़ोन में यहाँ पर आप आएंगे तो VIG डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, तो आपके फ़ोन में अगर जो भी सेटिंग्स आपने अप्लाई करके रखा है बट आपके फ़ोन में यहाँ पर 15 सेकंड ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से कुछ भी रख लेना है क्योंकि आपके फ़ोन का जो स्क्रीन है ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, आप यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर सॉल्यूशन दिखा दूँ क्योंकि भैया यहाँ पर अभी कुछ देर पहले 8 घंटे 22 मिनट फो हो रहा था, बट इफ मैं 8 घंटे 51 मिनट फो हो रहा है अगर आपको नहीं विश्वास है, लेकिन यहाँ पर मैंने अभी 28% में आपको करके दिखाया, अभी डायरेक्ट आपको लाइफ रूप हो गया भाई। हमारे फ़ोन की बैटरी थोड़ा सा इंप्रूव जरूर हुई है, बट यहाँ पर आपने फ़ोन को ये सेटिंग्स आपको कितने दिन को फॉलो करना है आपको पता है, लगभग 2 से 3 दिन तक फॉलो करेंगे, मतलब इसी सेटिंग पे आपको अपने फ़ोन को 2 से 3 दिन तक चलाना है, उसके बाद आपके अपने फ़ोन में बैटरी ऑप्टिमाइज जरूर देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा भाई चैनल पे आकर के डीसब्सक्राइब कर देना। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लाइव सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ, आपको ये सब सेटिंग करने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे पता चल जाएगा। एंड 2 से 3 दिन यूज करने के बाद फ़ोन का जो एक अपना मतलब उसका लेवल रहता है अपने हिसाब से अपने लेवल पे आ जाता है, हमारे फ़ोन को कैसे रन करना है सब कुछ कैसे करना है। हालांकि यहाँ पर डायरेक्ट आपको टैप करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट आपको लाइफ प्रूफ कर दिया गया, मतलब इतनी बैटरी ऑप्टिमाइज जरूर हुई है, बट यहाँ पर आपको वो सब सेटिंग को फॉलो करने के बाद 2 से 3 दिन तक जो सेटिंग फॉलो रहेगी, बार बार फ़ोन चार्ज किया जाएगा एंड बार बार यूज किया जाएगा, तो अपने लेवल पे आ जाए। अगर आपका फ़ोन की बैटरी ड्रेनिंग हो रही है तो आप वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, ये सब कंडीशन अप्लाई करके आपके फ़ोन की बैटरी ड्रेनिंग जरूर 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 फिक्स हो जाएगी, काफ़ी हद तक फिक्स हो जाएगी। ये सब सेटिंग्स आपको फॉलो करके चलना। अगर आपको नहीं विश्वास हुआ है, मैंने आपको पहले नहीं दिखाया, तो यहाँ पर आपको कर देना है तुरंत टर्न ऑफ, ऑफ करने के बाद ये सब कुछ कर देना है ऑन। एंड यहाँ पर जो भी बातें मैंने आपको बताया है उसको वैसे कर देना है, एंड आपको सब कुछ यहाँ पर दिखेगा भैया जी। 8 घंटे 1 मिनट फो हो रहा है, जबकि अभी कुछ देर पहले मैं आपको ये फिटिंग करके दिखाया था आपको कितना फो हो रहा था, मतलब 28% की बैटरी में आपको इतना इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है जबकि बिना फ़ोन यूज किए। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं अपने फ़ोन को यूज करने के बाद एंड ये फिटिंग को फॉलो करने के बाद आपके फ़ोन की बैटरी ड्रेनिंग कितना हद तक फिक्स होने वाली है। एंड यहाँ पर एक बात और आपको बता दें भैया जी, आपके फ़ोन में जो भी हर एक चीज़ें अपने फ़ोन में ऐप रखते हैं, कुछ बंदे काफ़ी ज़्यादा ऐप रख देते हैं, तो यहाँ पर उनके फ़ोन की बैटरी ड्रेन काफ़ी फास्ट हो जाती है। यहाँ पर एक बात आपको और बता दें, आपको एडिशनल फिटिंग में चला आना है। एडिशनल फिटिंग में आने के बाद आपको आना है प्रोसेस मैनेजर में। प्रोसेस मैनेजर में आने के बाद यहाँ पर आपको सब कुछ शो किया जा रहा है, आप यहाँ पर टैप करके पढ़ सकते हैं सब कुछ। यहाँ पर पहले नंबर पे बताया गया है योर फोन स्टोरेज विल बी फ्रीड अब योर सिस्टम विल रन स्मूथली। तो दोस्तों यहाँ पर यार सब कुछ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको डायरेक्ट बता दो जो भी ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐप, यहाँ पर सिस्टम ऐप सब कुछ शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके फ़ोन में ये सबको फ्रीज कर देना। फ्रीज करने के बाद आपके फ़ोन की बैटरी ड्रेनिंग काफ़ी हद तक फिक्स कर दी जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, सब कुछ भाई मतलब जो भी प्रोसेस होता रहता है आपके फ़ोन में वो सब डायरेक्ट एंड कर दिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर लाइफ रूप करके दिखा रहा हूँ एंड होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे फ़ोन में फोर आया सिस्टम ऐप में सेटिंग का ऑप्शन, तो सेटिंग में मैं करता हूँ टैप। टैप करने के बाद आप खुद देख सकते हैं भाई प्रोसेस एंड होता है या नहीं होता है। यहाँ पर मैंने किया टैप, टैप करने के बाद आप सब कुछ देख ही सकते हैं भाई, सब कुछ कट गया, मतलब इसका प्रोसेस एंड हो गया। हमारे फ़ोन की बैटरी ड्रेनिंग जो हो रही थी सेटिंग के थ्रू, मतलब सेटिंग जब ओपन था तो यहाँ पर इसका बैटरी कंज्यूम कर रहा था हमारा फ़ोन की बैटरी, मतलब हमारे फ़ोन की बैटरी सेटिंग जब ओपन किया था मैंने तब पर हमारे फ़ोन की बैटरी मतलब सेटिंग के थ्रू अब बैटरी हमारी कंज्यूमिंग हो रही थी। मैं यहाँ पर सही तरीके से बता नहीं पा रहा हूँ सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी बातें हैं मैंने आपके साथ शेयर किया, ये सब कंडीशन आप ये सब प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं अपने फ़ोन में। एंड यहाँ पर जो भी ऐप सब रखे हैं, अगर आपको लगता है भाई ये मुझे यूज नहीं करना है अभी कुछ देर के लिए या कुछ टाइम के लिए, सब कुछ पहले यहाँ पर एंड कर देना है। एंड करने के बाद आपके फ़ोन की बैटरी काफ़ी हद तक फिक्स हो जाएगी। एंड यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पे भी ऐप डाउनलोड करने हैं, थर्ड पार्टी ऐप कम ही रखने हैं, तो आपके फ़ोन की बैटरी ड्रेनिंग काफ़ी फास्ट नहीं होगी, मतलब काफ़ी अच्छी चलेगी। फॉर फ्रेंड दैट फिट एंड यार बहुत सारा थैंक्स, ये सब प्रोसेस अप्लाई करो आपके फ़ोन की बैटरी ड्रेनिंग जरूर फिक्स हो जाएगा। नहीं हुई तो दोस्तों चैनल को डिसब्सक्राइब करके चले जाना यार, कोई डर नहीं। तो दोस्तों बहुत सारा थैंक्स।